दोस्तों जब बात आती है इंग्लिश सब्जेक्ट की तो बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश से डरते हैं। वो सोचते हैं कि इंग्लिश में मेरा तो अच्छा मार्क्स आने वाला ही नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो को देख के, आज के इस क्रैश कोर्स को करके आपको जो है इंग्लिश अगर 50 मार्क्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस फील करोगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है और मार्क्स काफ़ी अच्छा दिया जाता है उस सब छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो आज के इस वीडियो में, आज के क्रैश कोर्स में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 मार्क्स रहता है, कितना 5 मार्क्स। और ये जो है 2018 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, लगातार ये जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है और इस बार भी ज़्यादा चांस है पूछा ही जाएगा, क्योंकि लगातार देख रहे हैं आप, लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग जैसा कि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप मिला सकते हैं इंग्लिश 50 मार्क्स में ये सारे ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और जो है ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग बात करेंगे और साथ में उसका आंसर भी रहेगा। ये जो वीडियो है केवल और केवल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ये जो बिल्कुल गेस है, एजुकेशन बाबा के द्वारा गेस किया गया है और ये क्रैश कोर्स है। मतलब अगर आप पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं भी किए हैं तो ये वीडियो देख के आपको इंग्लिश 50 मार्क्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगर सारे क्वेश्चन जो बात करें तो वो भी VVI है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आपको बस क्या करना है, आप बस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाएंगे, क्योंकि अब जब आप लोग लाइक करते हैं तो और भी मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक बिल्कुल वीडियो को कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहे हमेशा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि इतना पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज जेसी हिल सेज अबाउट ट्रूथ। What does Jesse Hill says about truth? आप लोग बस मुझे जो है 10 मिनट आप लोग टाइम दीजिए, 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है सो हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल संख्या जो है इसमें 8 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आप देखिए 5 क्वेश्चन दे देता है और उसमें से आपको 2 का जवाब देना होता है, कितना 2 का, जिसके लिए 1 क्वेश्चन का मार्क्स कितना देता है 5 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन का जवाब देके आपको 10 मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आज की इस वीडियो में अगर आप लोग हमें 10 मिनट टाइम देते हैं तो आपका वो 10 मार्क्स जो है कन्फर्म वाला श्योर हो जाएगा कि आपका वो 10 मार्क्स आ जाएगा। ये जो है कंप्लीट वीडियो, अगर 8 क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको जो है उसमें वो जो है 10 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे बहुत सारा बकवास अब हम लोग कर लिए, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट डज जेसी हिल सेज अबाउट ट्रूथ। ये क्वेश्चन इतना इतना साल में पूछा गया है, लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, द राइटर जेसी हिल सेज डैट व्हाट वी कॉल द ट्रूथ इज आवर ट्रूथ। जिसे हम लोग, ये जो है राइटर कौन है इसके, जेसी हिल। सबसे पहले कोई भी अगर जैसे इंग्लिश 50 मार्क्स में स्टार्ट करते हैं, प्रोज से हो या पोइट्री से, तो हम लोग को सबसे पहली बात जो भी इसका जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, हम लोग सबसे पहले जो है उसका राइटर का नाम लिख देना है, ठीक है। राइटर का नाम लिखने से टीचर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अब लोग, हम लोग ज़्यादा बकवास अभी इसलिए वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है उसको बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को राइटर का नाम लिख देना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो क्या क्या करना है, सबसे पहले राइटर का नाम लिख देना है, उसके बाद हम लोग को अब उसके बारे में कुछ लिखना है अगर पता है तो। यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है द राइटर जेसी हिल सेज डैट, राइटर जो है जेसी हिल कहते हैं व्हाट वी कॉल द ट्रूथ इज आवर ट्रूथ। जिसे हम लोग सच्चाई सत्य कहते हैं वो क्या सत्य है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्जर ट्रूथ। ट्रूथ इज नेसेसरी फॉर ऑल द पर्सन्स एंड सिचुएशंस। ये जो सच्चाई है, ये जो सत्य है, सभी व्यक्ति के लिए सभी परिस्थिति में आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरत है। वंस ट्रूथ इज ऑलवेज वन साइडेड, यूनिवर्सल ट्रूथ इज द ट्रूथ फॉर ऑल पर्सन एंड ऑल टाइम। यहाँ पे अगर आप लोग इतना आंसर लिख देते हो तो आपका जो है 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ पे बेकार की कुछ बातें नहीं लिखा गया, सटीक में आंसर है तो आपको मार्क्स मिलेगा, 5 में से 4.5 जरूर मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बिहार बोर्ड जानते ही हैं पूरा मार्क्स नहीं देता। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा बार नहीं पूछी गई है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हम लोग रखते हैं। Why was some people have difficulty in writing letter? ये जो क्वेश्चन है 2016 में, 2013 में, 2011 में पूछा गया है।
Why do some people have difficulty in writing letter? बहुत से लोगों को जो है लेटर पत्र यानी पत्र को लिखने में दिक्कतें क्यों आती हैं? यहाँ पे क्या है आंसर? Some people have no power of self-expression. मतलब बहुत से लोगों को जो है अपनी जो व्यक्ति या अपना भाव जो होता है अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपना एक्सप्रेशन को नहीं बता पाते हैं. पीपुल फेस डिफ़िकल्टी इन राइटिंग लेटर टू अदर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. मतलब बहुत से लोगों को नॉलेज की कमी के कारण और एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण ये इसमें जो है डिफ़िकल्टीज आती है, प्रॉब्लम होती है. दे आर अनलेबल टू फाइंड राइट and on create word for express their ideas and feeling. They are ignorant the art of letter writing. उनको जो है इसके लिए जो सही जो शब्द रहता है वो नहीं चुन पाते हैं और अपने ideas और feeling को नहीं व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए जो है उनको ये लिखने में दिक्कत होती है पत्र लिखने में. अब आप लोग जो है इसको रोक के एक बार आंसर को पढ़ लीजिए या फिर आप लोग कॉपी पे इस आंसर को लिख लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है? What factor do produce good manners? ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है. और आप लोग ये देख के बताओ कि 2017 में क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? 2017 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं था, इसलिए जो है इसका हम लोग नहीं देख पाए कि 2017 में क्या पूछा गया है. तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हो जाएगा? What factor do produce good manners? तो यहाँ पे kindness and sympathy that produce good manners. Unless we have no love and affection to of others, जब तक हमें एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह नहीं है, we cannot be good mannered. हम लोग जो है good manners नहीं हो पाएंगे. Our manners reflect our attitude. हमारा जो है manner ही हमारा attitude को reflect करता है. It will make us humble and use and we need to help from others. ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये इसको देख लीजिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए या फिर जैसे करना है आप दो बार तीन बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपको याद हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पे कुछ आंसर है. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. What should be the rule of conversation? यहाँ पे आप लोग बोर मत होइए, आराम से आप लोग सुनिए. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये, तो आप लोग पूरा देख लीजिए आराम से फिर आप चले जाइएगा. What should be the best way of conversation? यहाँ पे जो है क्या नियम होना चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से आपस में? तो वी शुड बी केयरफुल वाइल कन्वर्जिंग विथ अदर्स. हम लोग को जो है सावधान रहना चाहिए जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं. वी शुड ट्राई टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स इन द रिगार्ड ऑफ जनरल कन्वर्सेशन. हम लोग को कुछ जो है प्रिंसिपल, कुछ जो है तथ्य को हम लोग को जानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए जब हम लोग बात करते हैं किसी से, सामान्य जब बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. इफ़ द कंपनी इज लार्ज वी शुड टेक ओनली फेयर शेयर ऑफ इट. जब हम लोग ज़्यादा संख्या में व्यक्ति हो और उस समय जब बातचीत होती रही हो रही हो तो उस समय जो हम लोग थोड़ा कम ही बोलना चाहिए, ओनली फेयर शेयर, थोड़ा कम बात करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा कम बोलना चाहिए क्योंकि जो है वहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को भी बोलना होता है. एंड इट अलाउ अदर टू स्पीक. वहाँ पे हम लोग को सामने वाले को भी बोलने देना चाहिए. ठीक है, इफ़ वी आर ओनली टू इच अदर, इच वन ऑफ अस शुड इट इक्वली. जब हम लोग दो व्यक्ति हो तो हम लोग को बराबर बराबर बोलना चाहिए, ये नहीं कि केवल हम ही बोले जा रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए. आप लोग जो है ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए. चलिए हम लोग अब पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं. पाँच नंबर क्वेश्चन हमारे क्या आ जाती है? ये क्वेश्चन भी बराबर ज़्यादा बार पूछा गया, कितना, चार बार अभी तक पूछा जा चुका है. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ. गुड मैनर्स का जो है हमारे लाइफ में क्या महत्व है, ये 2015 में, 2014 में, 2010 में पूछा जा चुका है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. आप लोग सारे जो है VVI यहाँ पे बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ना छोड़े अगर क्लास 12th में अगर इंग्लिश 50 मार्क्स है तो. It is a great importance of good manners in our life. Good manners का जो है हमारे life में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है. हमारे good manners help the machine of our social life is running sweetly and smoothly. हमारा जो है ये अगर बात करें good manners की, ये जो हमारा machine का काम करता है यहाँ पे, जैसे कि बताया जा रहा है social life, और यहाँ पे अगर बात करें तो मिठास और smoothly से भर जाता है अगर हम लोग good manners को अपनाते हैं. But they can be progress of our both individual and social work.
तो यहाँ पे जो है सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य के लिए भी जो है गुड मैनर्स की ज़रूरत होती है। दे क्रिएटेड एटमोसफेयर ऑफ लव एंड ट्रस्ट, यहाँ जो है ट्रस्ट और लव, प्यार का जो है एटमोसफेयर, एक वातावरण बनाता है ये जो है क्या चीज़, गुड मैनर्स। अगर आप अच्छे से बोलोगे किसी के सामने तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छा एक वातावरण बनेगा। वी कैन वी फ्री फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बैड मैनर्स, यहाँ पे हम लोग जो है बैड मैनर्स के पोजिशन से दूर रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोग, बात रही 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और आपको देखना है यहाँ पे ये क्वेश्चन के अलावा। क्या है क्वेश्चन? वाई वॉज लेटर राइटिंग डन मोर मेटिक्यूसली इन द पास्ट। अब ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या? आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। वाई वॉज राइटिंग लेटर डन केयरफुली इन द पास्ट, ये जो है पहले जो है पहले के ज़माने में ये अगर बात करें लेटर राइटिंग की, ये जो है बहुत सावधानी पूर्वक बहुत आराम से क्यों लिखा जाता था, ये जो 2014 में पूछा गया, 2012 में, 2009 में, फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। लेटर राइटिंग वॉज डन मोर केयरफुली इन द पास्ट बिकॉज ऑफ दोज डेज मोर लेजर टाइम फॉर सच वर्क एंड पोस्टेज वॉज मच मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले के ज़माने में लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मोर लेजर टाइम फॉर सच वर्क, इस सब कार्य के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम होता था, एंड पोस्टेज वॉज मच मोर एक्सपेंसिव देन इट इज़ टूडे। और जो है पोस्टेज चार्ज, जैसे हम लोग किसी को लेटर भेजते थे तो डाक का जो चार्ज होता है वो जो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता था, काफ़ी ज़्यादा रहता था आज के ज़माने की अपेक्षा में। एक्चुअली दे वेयर नॉट इन ए हरी, वो लोग जल्दी में इसको नहीं करते थे, वो लोग जल्दी में रहते भी नहीं थे और ये सब कार्य जो है आराम से करते थे, मेटिकुलसली या फिर केयरफुली। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर बचेगा एक और क्वेश्चन लास्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन होगी, और वो भी क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या है? Why was author Stephen Leacock not pleased with the photographer? और यहाँ पे ये इसी के क्वेश्चन के अलावा मैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसका आंसर सेम होगा, Why was author angry with the photographer? मतलब लेखक जो है फोटोग्राफर से, यानी जो फोटो ले रहा था उससे क्यों गुस्सा थे, 2018 में, 2014 में, 2012 में, 2009 में पूछा गया था, और 2017 के बारे में मुझे नहीं पता कि ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। 2017 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है फिलहाल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑथर वॉज नॉट प्लेस्ड विद द फोटोग्राफर बिकॉज ही मेड ए मिस ऑफ हिज फोटोग्राफी। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, ऑथर हमारे लेखक जो थे वो फोटोग्राफर से इसलिए नाराज थे, इसलिए गुस्सा थे क्योंकि वो जो है उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ किया था। ही मेड ए कमेंट ऑन हिज फेस हेड एंड ईयर्स, वो जो है उनके फेस और हेड, उनके सर और उनके कान पे जो है कमेंट करता था। द फोटोग्राफर वो हैज़ रिटच हिज फेस एंड नॉट एज हेवन, वो जो है बहुत सारे जो है उनके फेस को रिटच किया, बहुत चीज़ एक्स्ट्रा लगा दिया उसमें, जैसा कि वो उनका वास्तविक में नहीं था। द फोटो वॉज बैड, और जो है पिक्चर बहुत ही खराब लगने लगा। द राइटर सेड डैट फोटो वॉज नॉट वर्थली वर्किंग फॉर मी, वर्थ यहाँ जो राइटर बोलते हैं नॉट वर्थ फॉर मी, यहाँ पे होगा वर्किंग के जगह पे, और राइटर कहते हैं क्या कि ये जो फोटो है हमारे लिए कोई काम की नहीं है, और फिर वो चले जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या आ जाती है, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाती है, 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू C.E.M. जॉर्ज इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सिविलाइजेशन, 2014 में, 12 में, 10 में, 9 में ये पूछा गया है, आंसर क्या हो जाती है। यहाँ पे हमारा बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू C.E.M. जॉर्ज इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है C.E.M. जॉर्ज के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन और ओल्ड सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाती है, C.E.M. जॉर्ज इज, यहाँ पे आप लोग कुछ देर, 1 मिनट आप लोग पढ़िए तो पहले। चलिए हम आपको डायरेक्ट बता ही देते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाती है, C.E.M. जॉर्ज इन हिज एस्से आवर ऑन सिविलाइजेशन ड्रॉ ए लाइन बिटवीन न्यू सिविलाइजेशन एंड आवर टाइम एंड द
ओल्ड वन। यहाँ पे जो है सी एम जॉर्ज अपने ऐसे अपने निबंध में ये बताते हैं कि वो जो है अपने दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं किसके बीच में, अभी के ज़माने में न्यू सिविलाइजेशन और फिर पुराने सिविलाइजेशन, पुराने ज़माने के सिविलाइजेशन, उनके सभ्यता के बारे में उनके बीच में एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे ही सेज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टेम्पर्ड विद साइंस, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन आज का जो सभ्यता है हमारा साइंस से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई है। मशीन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन अमोंग ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे जो है यंत्र यानी मशीन जो है हमारे लाइफ में हर कदम पे साथ देती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इवन द मशीन इज मशीन्स हैव नॉट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन मैन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशीन जो है, जबकि मशीन मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व ज़्यादा वो नहीं रखता। इट हैज़ हेल्प द एक्सटेंडिंग सिविलाइजेशन ऑफ टू ग्रेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट एवरीवेयर, हमारा जो है अगर बात करें दुनिया में जो है सिविलाइजेशन पे ये जो है ग्रेट पार्ट रखता है, और जबकि हमेशा जो है सब जगह ये काम नहीं आता। द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग दूसरी और अगर बात करें पुराने सभ्यता के बारे में, वाज लोकलाइज्ड, यहाँ पे बात करते हैं वाज लोकलाइज्ड, इट को वुड ईजली बी डिस्ट्रॉय बाय बारबेरियंस, यहाँ पे जो है ये जो है बारबेरियंस के द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिसाइड दिस इज ओल्ड सिविलाइजेशन वाज नॉट सिक्योर द मॉडर्न वन बिकॉज देयर वाज नॉट एडवांस वेपन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बारबेरियंस, यहाँ पे ये सारी आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे बात हो गया इतना, अब जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और पीडीएफ मिल जाए। और बात कर लेते हैं अब आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ पे चलिए अब हम लोग चलते हैं पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ के लिए हम लोग जो है फ्री में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम लोग ऐसे वीडियोस आपके लिए ऐसे क्रैश कोर्स और बनाए और सब्जेक्ट के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए। अब बताते हैं पीडीएफ, पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिखा होगा वहाँ पर 12th इंग्लिश 50 मार्क्स पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड जाके कर लीजिए। तो हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।